टाटा और महिंद्रा। देश में जब कोई मध्यम वर्गीय इंसान किसी दूसरे को अमीर बनने के लिए या मेहनत करने के लिए या कहें कि अपना लेवल बताने के लिए अक्सर जिन दो नामों का जिक्र करता है, वो यही टाटा और महिंद्रा होते हैं। देश की दो सबसे प्रतिष्ठित कंपनी जिसे आजादी से कुछ साल पहले ही शुरू किया गया था, वो आजादी के बाद भी आज हमारा साथ दे रही है या कहें कि देश की रीढ़ बनी हुई है। चाहे वो टाटा के ट्रक हो या महिंद्रा की SUV, दोनों समय समय पर एक से एक जरूरी प्रोडक्ट को भारत के बाजारों के हिसाब से निकालते रहे हैं। लेकिन इन दोनों कंपनियों को देखकर ये सवाल मन में जरूर आता है कि आखिर कौन सी कंपनी इस समय इस रेस में आगे है। आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं दो कंपनीज को कंपेयर करके आपके सामने रखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सफलता वो नहीं जो आपको तोहफे में मिल जाए, बल्कि सफलता वो है जिसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े। विश्व भर में सफलता के कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो भीषण तूफानों जैसी मुसीबतों का सामना कर इंसानों ने हैरान कर देने वाले कारनामे करके दिखाए। इनमें कई बड़ी व्यवसायिक कंपनियां भी शामिल हैं। इसी क्रम में हम पहले आपको बताते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये कंपनी कभी महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से भी जानी जाती थी। जी हाँ, और ऐसा क्यों था आइए जानते हैं। जगदीश चंद्र महिंद्रा का जन्म 1892 को हुआ था और इसके 2 साल बाद उनके भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा का जन्म हुआ था, जिन्हें जेसी और केसी कहा जाता था। जेसी और केसी 9 भाई बहन थे। बहुत कम उम्र में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया। जगदीश चंद्र महिंद्रा को पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। जेसी महिंद्रा कम उम्र में ही समझ गए थे कि अगर ऊपर उठना है तो बुलंद हौसलों के साथ शिक्षा भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने भाई बहनों को उच्च शिक्षा दी और भाई केसी को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज भेज दिया। बड़ी लगन से अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद केसी महिंद्रा कुछ समय के लिए अमेरिका में ही नौकरी भी करने लगे। उसके बाद वो साल 1945 में भारत लौट आए, क्योंकि उनका वहाँ मन नहीं लगा। 1945 में केसी जब भारत लौटे तो उन्हें कई सरकारी पदों के साथ साथ कई प्राइवेट संस्थाओं से बड़ा पद ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने बड़े भाई जेसी महिंद्रा और अपने दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपना नया बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया था। इसी मन के साथ ही तीनों एक साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम था M&M, यानी महिंद्रा एंड मोहम्मद। जी हाँ, शुरुआत में कंपनी को इसी नाम से जाना जाता था। इसके बाद ही देश आजाद हुआ और पार्टीशन में मोहम्मद साहब पाकिस्तान चले गए, जिस कारण कंपनी का नाम तो M&M ही रहा, लेकिन अब वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई थी। इसके बाद उन्होंने विदेश में चलने वाले एक जीप को देखा जो उन्हें बहुत पसंद आई, इसलिए वो भारत में भी उसी तरह की जीप बनाने में लग गए। इसके बाद तो महिंद्रा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। महिंद्रा XUV, महिंद्रा स्कॉर्पियो से लेकर और भी बहुत सी महिंद्रा की ऐसी गाड़ियां उन्होंने दी जो भारतीय लोगों की तरक्की की निशानी बन गई। आज महिंद्रा की बागडोर जेसी महिंद्रा के पोते आनंद जी महिंद्रा के हाथों में है। आज सिर्फ महिंद्रा ऑटोमोबाइल ही नहीं बनाती, बल्कि स्पेसक्राफ्ट, इंश्योरेंस, आफ्टरमार्केट, डिफेंस, एनर्जी, फार्म इक्विपमेंट, फाइनेंस और बहुत से इंडस्ट्रीज में लगातार काम कर रहा है। आज अगर महिंद्रा ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें तो 150 है, जिनमें करीब 2.5 लाख लोग नौकरी करते हैं। 2021 की बात करें तो इस कंपनी ने पिछले साल 45,000 करोड़ रुपए की एनुअल सेल की थी, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है। और आज महिंद्रा कंपनी नेटवर्थ की बात करें तो वो 190 करोड़ US डॉलर है, यानी करीब 13.5 हजार करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि महिंद्रा के साथ ही एक और कंपनी ने भारत में जन्म लिया था, उसका नाम आज कौन नहीं जानता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की, जो कि टाटा ग्रुप की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसकी शुरुआत उसी साल हुई जिस साल महिंद्रा की शुरुआत हुई थी। लेकिन टाटा उस समय महिंद्रा की तरह छोटे ऑटोमोबाइल की जगह बड़े बड़े लोकोमोटिव इंजन बनाने वाली कंपनी थी। लेकिन महिंद्रा को देखकर या कहें कि आजादी के बाद देश में बढ़ती ऑटोमोबाइल कार और गाड़ियों की मांग को देखते हुए टाटा भी बहुत दिनों से इससे दूर नहीं रहा और लगातार काम करते हुए उन्होंने 1954 में टाटा की पहली कमर्शियल कार का निर्माण किया। इसके बाद कंपनी इसी दिशा में काम करने में लग गई। 1988 में उन्होंने अपनी पहली पैसेंजर गाड़ी टाटा मोबाइल निकाली, जो काफी हिट साबित हुई। और उसके बाद उन्होंने 1991 में टाटा सियारा लॉन्च की।
लेकिन अभी भी टाटा जीप की तरह ये लोगों के पास तक नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए 1998 में उन्होंने पहली बार पूरी तरह से इंडिया में बनी एक कार को लॉन्च किया, जिसका नाम सबने सुना ही होगा और अब शायद भूल भी रहे होंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं टाटा इंडिका की, जिसने अपने आने के साथ ही मार्केट में खलबली मचा दी। इसके बाद टाटा इंडिगो, टाटा सफारी, टाटा सुमो और दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो जैसी गाड़ियां निकली। आज वही टाटा मोटर्स इंडिया की सबसे सेफ कारों को बनाकर मार्केट में लाने में लगी है, जैसे टाटा जेस्ट। इसके अलावा टाटा ने 2008 में विश्व मंदी के कारण लगभग बंद होने वाली जगुआर और लैंड रोवर जैसी विदेशी कंपनीज को भी खरीद कर उन्हें टाटा मोटर्स का हिस्सा बनाया। आज अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो भारत में लगभग हर भारतीय का विश्वास जीतने में सफल रही है। टाटा कंपनी ने 2021 में 61,378 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री करके अपने ही पिछले साल के रिकॉर्ड में 14.4% की बढ़ोतरी की है, जो कि महिंद्रा ग्रुप के टोटल सेल से करीब 15,000 करोड़ ज्यादा है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स ने करीब 241,000 कमर्शियल गाड़ियों को 2021 में पूरे भारत में बेचा। ये तो हो गई इनकी शुरुआत की कहानी। आइए अब इसके बेसिस पर दोनों कंपनियों के बारे में कुछ और कंपैरिजन देखते हैं। अगर टाटा मोटर्स के मालिक की बात करें तो टाटा मोटर्स को टाटा ग्रुप की तरफ से चलाया जाता है, यानी कि वही इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है, जिसकी नेटवर्थ लगभग 110 अरब यूएस डॉलर है, जो कि महिंद्रा ग्रुप से कहीं ज्यादा है। इस तरह से आप समझने की कोशिश करें कि चाहे वो नेट सेल अमाउंट हो या नेट व्हीकल की बिक्री हो, टाटा ने इस मामले में बाजी मार ली है। लेकिन अगर महिंद्रा की बात करें तो उनकी कार बुलेरो ने एक साल में करीब 53,000 यूनिट सेल कर दी है। अब अगर बिजनेस से अलग हटकर परफॉर्मेंस की बात करें तो महिंद्रा की एसयूवी कारें जैसे बुलेरो, स्कॉर्पियो, एक्सयूवी, टीयूवी, ये सब आज के समय में टाटा की एसयूवी को पीछे छोड़ती हुई नजर आती हैं। महिंद्रा की बोलेरो आज ग्रामीण भारत में बहुत बेहतर ढंग से परफॉर्म कर रही है, लेकिन टाटा की कार अगर देखें तो वो बहुत ज्यादा शहरी लोगों के लिए रह गई है। टाटा की लगभग एसयूवी अब मार्केट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है जो आज से एक दशक पहले करती थी। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जिनमें दोनों कंपनियां एक दूसरे से बेहतर नजर आती हैं, लेकिन बतौर भारत की तरक्की की नजर से देखें तो आजादी के बाद इन दो कंपनियों ने देश को एक रफ्तार जरूर दी है। आपको क्या लगता है, टाटा और महिंद्रा में कौन है ज्यादा बेहतर, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।